सोनम विद द बेबी बहुत गंदा मेंटेनेंस सीरियसली जीरो मेंटेनेंस। नमस्कार, मेरा नाम है कनिष्क और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को लेकर चल रहा हूँ शिमला। गाइस पहाड़ों में आके मोमोज ना खाए तो क्या ही खाया। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू कनिष्क चांडिले व्लॉग्स। और जैसा कि आप सभी ने सेकंड व्लॉग में देखा था, हमारे डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज करा था एक फोटो वॉक कुरुक्षेत्र के लिए आज से लगभग 4 से 5 महीने पहले, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद सितंबर में। एंड काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा था हम सभी मीडिया स्टूडेंट्स के लिए। एंड हम गए वहाँ पे, हमें ऐसे बहुत सारी क्लिक्स मिली जो कि हमने अपने पोर्टफोलियो में ऐड करी। और आज फिर से हम जा रहे हैं एक नए शहर की ओर, एक नए एक्सपीरियंस के लिए, जो कि है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। नमस्ते दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कनिष्क चांडिले व्लॉग्स और आज हम लोग हैं शिमला में फॉर द शिमला फोटो वॉक। बेसिकली शिमला फोटो वॉक हमारा नहीं था, मास्टर्स के स्टूडेंट्स का था, बट स्टिल हमें अपॉर्चुनिटी दी गई तो हम यहाँ पे हैं। और ये इंट्रो मैं क्यों कर रहा हूँ अगर आप सोच रहे हैं, तो इसका आंसर कनिष्क देगा, क्योंकि नवदीप भाई है मेरा फेलो यूट्यूबर और मेरे को चर्च भी दिखाना था नीचे। और इस सफर की शुरुआत होगी कल सुबह 5 बजे। जी हाँ, मुझे सुबह सुबह उठ के जाना है, जैसा कि आपने कुरुक्षेत्र वाले व्लॉग में देखा था, सुबह उठ के जाना पड़ता है यार। तो यहाँ से मैं जाऊँगा, ऑटो पकड़ूंगा, विल रीच खरड़ एंड वहाँ से हम एक बस पिक करेगी, देन विल गो टू शिमला। तो सफर की शुरुआत करते हैं कल सुबह। गुड नाइट। इस वक्त हम कहाँ पर हैं पंकज भाई, कुछ इन्फॉर्मेशन? कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है हमको, हमको खुद पता नहीं चल रहा है, हम अभी तक नींद में हैं। नींद तो पूरा सोलन में है इस वक्त, कालका के काफी क्या बोलते हैं यहाँ से कसौली के पास में है बस, ऊपर जाके नेहा मैम, एक्चुअली नेहा मैम लग रही है यार, अब नेहा मैम ये व्लॉग देखेगी तो। सो हेलो, नमस्ते, हेलो ज्योति, कैसे हो? बहुत अच्छे, इधर का दिखाओ यार। हाय ब्रो, ये इधर बैठे हैं क्या? यस। तो हम इस वक्त सोलन में हैं और शिमला से लगभग 80 किलोमीटर ज्यादा ही बोल रहा एक्चुअली। अरे गुंजेगा ऐसे आवाज लाएंगे यार, बचपन में मैं एक्चुअली ऐसा किया करता था, पता है, जोर से चिल्लाया करता था। सो फाइनली हम आ चुके सोलन में और अभी हम सब चल रहे हैं ब्रेकफास्ट की तरफ एट द बॉलीवुड स्पाइसेस। तो गाइस अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, ब्रेकफास्ट में पराठे विद अचार एंड कर्ड और चाय भी है सर। पराठे विद अचार एंड कर्ड एंड चाय, चाय आ जाओ। गाइस हमने सेम मेन्यू कुरुक्षेत्र में भी देखा था, बट वहाँ पोहा भी था, वहाँ पोहा भी था, यहाँ पोहा नहीं है। How's the food? Good. It's good. Kurukshetra se better. Kurukshetra se better. Yadish, don't forget me, okay? But you are against the sun. You are not against the sun. आज हम जाने वाले हैं त्रिशूल बेकरी। त्रिशूल बेकरी जाएंगे हम। त्रिशूल बेकरी। त्रिशूल बेकरी मैंने काफी नाम सुना है। हाँ, आज लोग कह रहे हैं कि मैं, हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स वाली मैम की तरह दिख रही हूँ मैं। नेहा मैम को शाउट आउट अगर आप इनके से व्लॉग देख रही हैं। मैं पिछली बार अपने कैमरा का कार्ड भूला था, आज मैं ट्राइपॉड भूल गया। तो गाइस आज का मेन्यू हमारा आलू पराठा कर्ड एंड अचार। हमारे पास है पराठा, अचार और कर्ड और चाय भी है हमारे पास। फूड कैसा है? मैंने भी टेस्ट किया है। सो अब हम भी टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं। तो सनलाइट थोड़ी सी इन्हें प्रिपरेट आ रही है, बट सह लेना आप लोग। तो मैं वो क्यों सहेंगे, उनको नव्या दिखा। नव्या दिखा, तेरे को दिखाऊंगा पूरे ब्लॉग में, चिंता मत कर। आलू पराठा टेस्ट काफ़ी अच्छा है, चाय भी बढ़िया। सोनम एंड नवदीप,
खाना मिल चुका है। भाई इसके नाम इतने सारे, नवू नव गाइज, नवदीप के इतने सारे नाम बन रहे हैं। नव नव फ्री है। मैंने सुबह एक वीडियो देखी थी, रुको रिक्रिएट करते हैं, सब लोग चाय से चीयर्स करना। हमारी फोटो खत्म नहीं हुई क्या? नितिन सर डांट लगाते हैं। तो अगर आप लोग ने अभी तक हमारी फोटो आईजी पे देखी होगी, अगर ये लिंक नीचे डालेगा तो आपको आइडिया होगा हम लोग कहाँ खड़े हैं। और शबीन ने मेरी इतनी अच्छी फोटो क्लिक करी, मैंने जिससे भी फोटो क्लिक कराई मेरी इतनी अच्छी फोटो किसी ने नहीं क्लिक करी। सो थैंक यू सो मच। तो एक बढ़िया फोटो सेशन के बाद अब हम चल रहे हैं शिमला की ओर, और अगर सारा कॉन्टेंट मैं यहीं शूट कर लूँगा तो फिर आगे कुछ करने को मिलेगा नहीं, इसलिए चलते हैं। फाइनली गाइस हम पहुंच गए हैं शिमला। इतने घंटों के बाद किसी ने तो बोला था शिमला बहुत पास है, फिर भी हमें 7 घंटे लग गए। शिमला घूम के आए थे, पैदल चला दिया पहाड़ चढ़ते हुए। आज कल ही सक्सेस कब हो जाएंगे एक्चुअली यार, सीधा आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो ये काफ़ी स्टीप चढ़ाई मॉल रोड की तरफ, हाँ शिमला का नज़ारा कुछ इस प्रकार अगर मैं आप सभी को दिखाऊं। अब इतनी हिम्मत नहीं है मेरे अंदर उल्टा चलने की। शिमला मॉल रोड संदीप का दिन बन गया है, दो लड़कियों ने हाथ पकड़ा उसका। द क्लासिक मॉल रोड ऑफ शिमला एंड होटल भी क्लासिक मिल गया हमें। आर्मी ट्रेनिंग कमांड है, वी आर एट द पब्लिक कन्वीनियंस। नवदीप भाई शगुन भी है वॉशरूम में। गाइस बहुत लंबा हमने ट्रैक किया है, इतनी स्ट्रगल के बाद हमें एक वॉशरूम मिला है। काफी स्टीप चढ़ाई है यार, काफी स्टीप। हियर वी हैव वानर सेना। सो ये पब्लिक कन्वीनियंस हमारे पीछे एंड ये बहुत गंदा है, बहुत गंदा, मेंटेनेंस सीरियसली जीरो मेंटेनेंस। नवदीप भाई बेचारा भी गया अंदर, हम तो झेल कर आए हैं अभी, बहुत बहुत गंदा। मैंने कुछ देखा नहीं, नाक बंद कर लिया बस, बहुत गंदा, बहुत ज्यादा गंदा भाई। मजा समझ आ गया भाई, नरक में कैसे ट्रीट करते हैं समझ आ गया। अपने अपने चश्मे और जो भी एक्सेसरीज है सब अंदर रखो, फ्रूटी दो तो वो बदले में चश्मे देते हैं। फोन फिर वी आर एट द बीएसएनएल ऑफिस, फैशन होना चाहिए। सो मॉल रोड के नज़ारे थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। मुझे देख लो गाइस और शगुन को देख, मेरे को देख लो। ओ मिल गए, कहाँ खो गए थे यार, मेरे को बहुत डर लग गया था पता है मेरे लिए। मैं फॉरनर बनने की प्रिटेंड करूँ, लोगों से इंग्लिश में पूछो वेयर इज त्रिशूल बेकरी। तो नहीं लग रही फॉरनर, नहीं लग रही क्या? नहीं लग रही, बिल्कुल नहीं लग रही। देसी टच आ गया। किधर जाना है? अगर आपके पास पैसे हो तभी मॉल। सीधा 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 सीधा। और हनुमान जी की मूर्ति, इसको बुटिंग वाले को कट कर दो। सोनम विद द बेबी, बेबी विद द बेबी हो गए भाई, बेचारा बच्चा, उससे तो पूछ लो उसे खिंचाने के। बट शी इज रियली क्यूट, बच्चे को परेशान करते हुए। 143, 2 घंटे 30 मिनट समथिंग। ओके, एक ऑप्शन हमारे सामने है, चर्च देख सकते हैं। और कौन सी जगह थी? नाम भी नहीं देखे यार। सो चर्च विजिट करके आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं मॉल रोड के आगे वाले पार्ट में।
एंड लक्कड़ बाजार एंड स्पेशली मुझे मुझे त्रिशूल बेकरी जाना है। त्रिशूल नव्या के हर ट्रिप पे एक ना एक जगह फेवरेट होती है, वो उसी के नाम लेते हैं। सो हमारे पास बहुत सारे प्यारे प्यारे फ्रिज मैग्नेट्स मैंने भेजे हैं कुछ प्रतिबिंब मैं आके मोमोज में खाए तो क्या ही खाया। गाइस पहाड़ों में आके मैगी खाने का भी मेरा मूड है, बट 50 रुपए प्लेट है। चटनी एक्चुअली काफी अच्छे हैं। सो नव्या ट्राई कर रही है शिमला के मोमोज। सो ये तो कुछ और आइटम्स देख रहे हैं। हमारा कोई काम नहीं है, हम बस देखने आते हैं। भाई मैं तो घूम रहा हूँ, और मैंने फर्स्ट टाइम कुछ कुछ शॉपिंग करी है क्योंकि मैं कहीं बैठ जाएं, कुछ खा पी लें, हम वॉशरूम चले जाएं एक बार सफर में जाने से पहले, वरना 5 घंटे बैठना पड़ेगा। यस ये लेकिन वुडन आइटम्स से किसी चीज़ का कंपैरिजन नहीं है भाई, जो वुडन आइटम्स की जो ब्यूटी होती है डेफिनेटली। और ये इसको यहाँ से लेके जानी है। ओ माय गॉड, ये भगवान लेके जाने लगा के भाई। तो मोमोज खाने के बाद कुछ कुछ चीज़ों की शॉपिंग करने के बाद हम आगे कोई गप्पे खाने देखते हैं। शिमला खट्टा मीठा रिव्यू रिव्यू 1 out of 10 7 खा रहे हो। तो हम 120 रुपए के 15 गोलगप्पे खा के आए हैं। एक्सट्रीमली कॉस्टली। जब मैं खरड़ की थी ना, एक शर्मा चाट भंडार था, वो बंदा मुझे 20 के 8 गोलगप्पे देता था। अरे हम भी खा चुके हैं। कितने यार, खरड़ में तो सही रेट में मिलते हैं। 10 के 5 त्रिशूल के दर है। चलो हम जा रहे हैं त्रिशूल बेकरी। चलो एनीवेज here we are at the HPMC, live life fruitfully, juices, concentrates, squashes, jams and pickles. और मुझे हिल स्टेशन की सबसे अच्छी बात यही लगती है जो वहाँ के ट्रेडिशनल नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं। एक्सक्यूज मी, हमें पता चला कि 5 किलोमीटर दूर है त्रिशूल बेकरी और घोड़ा करके जाना पड़ेगा, तो घोड़ा करके भाई जो घोड़े गाइस हमारे साथ प्रैंक हो गया। गाइस हेलो समिति, थक गए ना? तो बहुत थक गए आप। सोनम सीढ़ी बजा, हर जगह रुक के खाना है, पता नहीं क्या करते रहे। हिल स्टेशन पे यही होता है। तो बहुत ही बढ़िया फोटोग्राफी सेशन इस जगह पे हमने करी है, वो फोटोज आप सभी को आपके स्क्रीन पे दिख जाएंगी। गारंटी नहीं कर सकता मेरा कैमरा कभी भी बनने वाला, बैटरी डाउन है मुझे जाके अभी नैनीताल की हमें लीक मिली। और मेरे को सबसे बुरा इस बात का लग रहा है, नव्या का सपना सपना ही रही, वो बहुत खुश हूँ फाइनली हमें चलते चलते त्रिशूल मिल गया। अनएक्सपेक्टेड हमने त्रिशूल बेकर्स को यहाँ पाया। 5 किलोमीटर कौन बोल रहा था? गाइस फाइनली बहुत एक्साइटेड हूँ। और ये क्रीम पफ एक चाला ही पार्ट दिया। हेलो शगुन, क्या हालत है यार? एक दिन की ट्रिप में देखो पता ना बहुत थक जाता है इंसान। हाँ। और वैसे भी हम लोग शिमला आए और हमारे पैर दुख चुके हैं बहुत ज्यादा। मॉल रोड पर हम लगभग 5-6 किलोमीटर घूम चुके हैं, उससे ज्यादा ही। हाँ, मेरे पहले हमें लग रहा था कि त्रिशूल बेकरी नहीं मिलेगी, त्रिशूल बेकरी 5 किलोमीटर आगे, तो हम सोच रहे थे कि यार पूरा 10 किलोमीटर आने जाना हो जाएगा, बट भगवान चाहते थे हम त्रिशूल बेकरी की पेस्ट्रीज खाएं, तो उधर से नीचे गए और हमें त्रिशूल बेकरी मिल गई। और क्या की पेस्ट्रीज लिटरली बहुत टेस्टी थी। अगर आप किसी चीज को बड़े निमिषा के लिए कुछ दिल से चाहो तो कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। मतलब हम लोग इतना रोड़ते हैं त्रिशूल बेकरी नहीं मिली, क्योंकि शिमला की वो ही फेमस है। फोटो हो चुके हैं, 10 मिनट और दे रहे हैं सर, फोटो खिंचाने की डाल खिंचा लो, एक और उधर चलते हैं एंड तक, फिर वापस आ जाएंगे।
फॉर दिस व्लॉग होप यू लाइक दिस व्लॉग एंड अगर आपको लाइक व्लॉग पसंद आया हो तो सब्सक्राइब टू करें शांतिले व्लॉग्स झंडा बहुत अच्छा लग रहा है।